उम्मीद, उम्मीद के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगा। कहते हैं कि नाउम्मीदी कुफ्र है, यानी कि इंसान को इससे ये साबित होता है कि इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। नाउम्मीदी यानी बुरी उम्मीद किसी भी चीज से, कि कोई काम आप करने जा रहे हैं, कोई टास्क है जो आपने पूरा करना है, और आपको उसमें ये उम्मीद पहले से आ जाए कि आप उस काम को पूरा नहीं कर सकेंगे, या आप उसके बारे में कोई बदगुमानी अपने जहन में रखें, तो यकीनन आपके उस काम में खलल आएगा। इंसान का, इंसान की फितरत ऐसी है, इंसान का जहन ऐसा है कि फिर वो उसी तरफ जाता है जो उसके जहन में होता है। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद किसी भी काम को करते हुए, किसी भी फेल को सर अंजाम देते हुए एक अच्छी उम्मीद के साथ उसकी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि इंसान इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, वहां पर क्या किया जाए कि कोई काम आपने करना है, कोई किसी चीज की शुरुआत करनी है, तो उसके बारे में आप उसका अच्छा बुरा सब जान सकते हैं, उसके बारे में आप बहुत सारी मालूमात हासिल करके एक अच्छी उम्मीद रखकर आप उस पर उस चीज को शुरू कर सकते हैं, उस काम को सर अंजाम देने की काविश शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंसानों के हवाले से क्या किया जाए, जब इंसान इंसानों से उम्मीद का वक्त आए, जब इंसान आपके सामने हो और आपको उस पर यकीन करना हो, आपको उस पर एतबार करना हो, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान धोखा दे जाया करते हैं। लेकिन वो धोखा आपको कितना नुकसान पहुंचाता है या आपका कितना फायदा करता है, इसका अंदाजा कुछ अरसे बाद होता है, कुछ वक्त के बाद होता है। और ऐसा होता क्यों है? इंसान की फितरत में ये चीज शामिल है कि वो जिसको चाहता है वो उसकी सब मनफी बातों को खुद से निगलेक्ट करने लग जाता है, खुद से उनको भुलाने लग जाता है, पसे पुष्ट डालता है, उनको उभरने नहीं देता अपने जहन में, और फिर उस इंसान से एक उम्मीद कायम हो जाती है, बहुत ज्यादा उम्मीद कायम हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। तो फिर यूं होता है कि वो इंसान अपने तखय्युल में ही कुछ सोचे जा रहा होता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, मुझे रिटर्न में ये मिलेगा, बदले में ये होगा, पर वो उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर सामने वाला मुखलिस नहीं है, अगर वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उम्मीदें टूट जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उस वक्त की तकलीफ, उस वक्त का दर्द यकीनन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद, थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आपके फायदे के लिए था, वो आपका नुकसान नहीं था, वो शख्स शायद कुदरत ने भेजा ही आपकी इसलाह के लिए था, आपको सिखाने के लिए कोई सबक, और आपको मजबूत करने के लिए। फिर आप जब मुड़ के देखेंगे तो शायद 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 जो पल आपको बहुत मुश्किल लग रहे थे, जो वक्त बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान लग रहा होगा, और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा बहादुर तसव्वुर कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि कसूर आपका नहीं है, कसूर आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आपने किसी पर एतबार किया, आपने
किसी को दर्जा दिया, आपने किसी को एक मकाम दिया, और अगर उस मकाम की कदर उसने नहीं की तो नुकसान उसका हुआ। वो सब कुछ आपके पास तो वैसा का वैसा है, बल्कि उन चीजों ने आपको और ज्यादा मुस्बत कर दिया, आपको और ज्यादा मजबूत कर दिया। मगर फिर भी वक्ती तौर पे दुख तो होता है, वक्ती तौर पे तकलीफ तो होती है, जो आप किसी से लगा कर बैठते हैं, उनका चकनाचूर हो जाना, उनका टूट जाना, वो यकीनन तकलीफ देता है। वो लम्हात यकीनन बहुत गर्व के होते हैं। थोड़े मुश्किल लम्हात होते हैं, लेकिन गुजर जाता है वक्त। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ वक्त लगेगा, सब संभल जाएगा, सब वापस आएगा, सिवाय उस शख्स के जो आपके काबिल नहीं था, जिसने आपकी कदर नहीं की। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। बाद में ये कहानी आपको बहुत आसान लगेगी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, किसी ने
चले हम की सहर नहीं होती वो भी तो मेरे घर सर नहीं होती। मैं उसी सागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने अपनी कहानी कैसे कहें।